नमस्कार, आज हम आपको कलाकंद बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है: 1.5 किलो दूध, 1 कप चीनी, 1 नींबू का रस। सबसे पहले हम दूध को भारी तलने के बर्तन में लेंगे और उसे मध्यम आंच पर उबलने के लिए रखेंगे। इसमें उबाल आने पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। इसके 1/3 होने तक या काफ़ी गाढ़ा होने तक हमें इसे चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं कि यह 1/3 हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके नींबू का रस डालेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। दूध के अच्छी तरह से फटने तक हमें नींबू का रस डालते रहना है। और जैसे ही दूध फट जाए तब नींबू के रस को डालना बंद कर देंगे। देखिए, दूध अच्छी तरह से फट चुका है। अब हम नींबू का रस नहीं डालेंगे और अब इसके पानी को सुखाएंगे। सकते हैं कि पनीर का पानी करीब करीब सूख चुका है, तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी डालने के बाद ये काफ़ी पतला हो गया है, इसलिए हमें फिर से इसके गाढ़ा होने तक चलाते रहना है। पतला होने के साथ साथ इसका रंग भी बदल गया है, हमें इसे अच्छी तरह और जल्दी जल्दी चलाना है। इसमें कम से कम हमें 5 से 10 मिनट और लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये काफ़ी अच्छा हो गया है, इसलिए हम गैस को बंद कर देंगे। और हमने यहाँ पहले से ही पतीले में घी लगा कर रखा हुआ है और इसमें हम कलाकंद को जल्दी से डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए फैला लेंगे। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर 5 से 6 घंटों के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। 5 से 6 घंटे के बाद इसे प्लेट में निकाल लें। और इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कहीं रंगत गाढ़ी आई है तो कहीं हल्की। और अब इसे हम मनचाहे आकार में काट के परोसेंगे और कलाकंद बनकर तैयार है। हमारी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।